ये वीडियो देखने के बाद कितना भी बड़ा क्यूब रूट हो आपका आंसर आएगा सिर्फ 10 सेकंड में। कैसे आएगा देखो, आप इस तरीके से नंबर देखोगे, आप लास्ट का डिजिट लिखोगे, यहाँ 9 लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा 99। हाँ जी, इतनी ही जल्दी आप करोगे तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स स्टेयर्स में। चलिए आज क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं, जिसकी बहुत एक बड़ी मेथड होती थी, पर आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा विद इन 10 सेकंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, किसी का भी क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है कि 1 to 10, आपको सिर्फ 1 to 10 के ही क्यूब रूट सीखने, इतना तो आप कर ही सकते हो। 1 to 10 बस इन्हीं का आपको क्यूब सीखना है कि क्या होता है। देखो, 1 का 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 100। बस आपको ये 1 से 10 के ही क्यूब लर्न करने, फिर एग्जाम में कितना भी बड़ा नंबर हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, या तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका आंसर आएगा 10 सेकंड में। ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 to 10 मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना। अब देखो ट्रिक है क्या, अगर यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए, मतलब लास्ट में अगर 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी होगा 1। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखो, लास्ट डिजिट 4 हो तो उसका भी क्या आएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 9 हो तो 9। ठीक है, ये तो आराम से इतना लर्न हो जाएगा आपका, क्योंकि डिजिट बिल्कुल सेम है। 1 हो तो 1, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 9 हो तो 9। देखो, अब आप लोगों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5। ठीक, तो 5 का क्या लिखना है मुझे, 5, तो मेरा आ गया 1 5। बस मुझे यहाँ पे एक और एक नंबर ढूंढना है, मेरा इसका क्यूब आ जाएगा। अब देखो, 2 हो तो 8, 8 हो तो 2, ठीक है, अल्टरनेट करना है आपको। 3 हो तो 7, 7 हो तो 3। बस इतना याद रखा और इतना याद रखा, कोई भी नंबर आ जाए क्यूब रूट में आपका आंसर आएगा विद इन सेकेंड्स, आपका आंसर आएगा। अब देखो, 4 2 8 7 5 का हमको निकालना है क्यूब रूट, के ये किसका क्यूब है। तो देखो, 5, लास्ट में 5, तो 5 का क्या लिखूंगा मैं, 5। ठीक, अब सिर्फ ये दो नंबर पे फोकस करो, क्या है 42। ये 3 डिजिट को आप इग्नोर करो, सिर्फ ये दो नंबर पे फोकस करो, स्टार्टिंग के 42। 42 नंबर से पहले एक परफेक्ट क्यूब कौन सा आ रहा है, ये तो 64 42 से बड़ा, इसके ऊपर क्या है 27। 27 किसका है, 3 का, तो बस वही 3 उठा के यहाँ लिख दो, 35। हाँ जी, इसकी क्यूब रूट आ चुकी है। देखा आपने कितना इजी है क्यूब रूट निकालना, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई मेथड अप्लाई नहीं करनी, सीधी सिंपल एक ट्रिक आपको अप्लाई करना और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। अब देखो, लास्ट में एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लास्ट में देखो 4, तो 4 का क्या होता है, 4, तो मैंने लिख दिया 4। अब सिर्फ ये दो डिजिट पे फोकस करो, 85। 85 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 125 का बड़ा है, 64 मुझे लेना है, तो 64 किसका होगा, 4 का, तो बस ये हो गया 44 का क्यूब, आया समझ में। चलिए एक और एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। देखो, 6 का क्या आएगा, 6, लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो इसकी भी लास्ट डिजिट आएगी 6। अब देखो, 3 2, यहाँ से 3 इग्नोर किए तो यहाँ पे 3 बचे, 3 3 इग्नोर करते जाना हमको। देखो, 184 हमने इग्नोर किया, 175 इग्नोर किया, तो जो डिजिट बचे वो हमको लेना, तो यहाँ से मैंने 3 इग्नोर किया तो मेरा 175 है। 3 क्यों किया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्यों। अब 175 देखो, 175 कहाँ पर आएगा, 216 तो बड़ा हो जाएगा, तो 175 से छोटा नंबर क्या, 125, और 125 किसका है, 5 का, तो बस ये आ गया मेरा 56। विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर निकालो, 56 का क्यूब निकालो, 175616 ही उसका आंसर आएगा। तो देखा आपने कितना आसान है क्यूब रूट निकालना, बिना कोई मेथड या बिना कोई प्राइम फैक्टराइजेशन, बिना कोई कुछ भी मेथड, लॉन्ग मेथड अप्लाई करे आपका आंसर आपकी आंखों के सामने। चलिए कुछ अलग टाइप के सम्स कर लीजिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्यूब रूट का आज पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब देखो, लास्ट में डिजिट क्या है, 2, अभी तो हम क्या कर रहे थे, 1 था तो 1, 4 था तो 4, 5 था तो 5, 6 था तो 6, 9 था तो 9। अब देखो, लास्ट में आ गया 2, तो 2 हो तो 8, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में, तो 2 की जगह मैं लिखूंगा 8। अब सिंपली यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, अगर लास्ट डिजिट 8 हो तो वो क्या आएगा, 2, अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं लिखता 2, अगर यहाँ पे 2 है तो मैंने लिखा 8। अब 10 डिजिट छोड़ो, अब देखो 941, अब 941 ये तो 1000 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
तो कौन सा 729 और 729 किसका है 9 का, तो बस यही 9 उठा के यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ गया 98, इसका आएगा क्यूब रूट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 90। आया समझ में, समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे। अब देखो एक लास्ट सम कर लेता हूँ मैं, लास्ट में मेरा है 7, तो 7 हो तो 3, ऐसे ही अगर 3 हो तो 7, तो अब आप बताओ मुझे 7 है तो मैं क्या लिखूँगा 3, तो इसकी लास्ट डिजिट आएगी 3। अब देखो तीन प्लेस को इग्नोर करो तो यहाँ से कहेगा 804। अब 804 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये 729 और ये मेरा आएगा 100। अब 804 मुझे लाना है तो 804 मेरा आएगा 9 पे, क्योंकि ये 1000 तो इससे बड़ा हो जाएगा और ये 729 छोटा है, तो यही 9 मेरे को उठा के यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 93 का पे। आया समझ में? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरीके की और मज़ेदार ट्रिक मैथ्स से रिलेटेड मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।